कटोरी मूंगफली ली हूँ और यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई को गर्म करने के लिए। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा हल्का सा तो हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो चलिए इसके अंदर मूंगफली डालते हैं और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। हम इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि वो अंदर से एकदम अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप फास्ट मतलब गैस का फ्लेम जो रहेगा फास्ट रहेगा ये ऊपर से अच्छी तरह से पक जाएगा पर अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेगा, तो इसीलिए इसे हम स्लो आंच पे इसे हम पकाएंगे अच्छे से। तो देखिए मूंगफली हमारा अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से भून चुका है, देखिए चटक रहा है। और इसे ना हम स्लो फ्लेम पे जब भूनते हैं ना तो इसका एक ये फ़ायदा होता है कि छिलका जो है वो आसानी से निकल जाता है। तो गैस का फ्लेम जो है हमने बंद कर दिया है। मूंगफली को मैंने एक थाली में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे इसका छिलका हम निकाल लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जैसे कि हमने एक कटोरी मूंगफली ली थी तो वैसे ही एक कटोरी हम गुड़ लेंगे। दोनों का जो क्वांटिटी है सेम रहना चाहिए। तो मैंने एक कटोरी यहाँ पे गुड़ को अच्छी तरह से मैंने काट लिया है बारीक, देखिए चाकू की सहायता से। तो देखिए मूंगफली का जो छिलका है वो हाथ से भी निकल जा रहा है इस तरह से, देखिए। और आप इसे ना इस तरह का जो किचन का कपड़ा रहता है ना, किचन का कपड़ा, इसमें आप मूंगफली को रख के भी इसे रगड़ सकते हो तो छिलका जो है आसानी से निकल जाएगा। और इस तरह से देखिए हाथों से भी निकल जा रहा है, इस तरह से दोनों हाथों से आपके मल देंगे ना हल्का सा तो देखिए छिलका एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए मैं छिलका को निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे करके दिखाती हूँ। तो देखिए मूंगफली का छिलका मैंने उतार लिया है और यहाँ पर है गुड़ एक कटोरा और यहाँ पे गैस को गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो कढ़ाई गर्म चुका है, एक चम्मच घी डाल रही हूँ इसके अंदर में। घी गर्म हो चुका है, उसके बाद हम डालेंगे गुड़। इसे देखिए मैंने बारीक काट लिया है चाकू से, आसान रहेगा जब आप इसे काट लोगे चाकू से तो, और गल भी बहुत अच्छी तरह से जाएगा। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि ये जले नहीं। अगर आपके पास ये घी नहीं है तो आप एक चम्मच पानी डाल देना, थोड़ा सा मतलब एक चम्मच, और उसके बाद आप गुड़ को इस तरह से पिघला देना। गैस का फ्लेम जो हम स्लो कर लेते हैं और इसे इस तरह से लगातार हम चलाते रहेंगे। देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं, तो इसे हम इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। हम पाक को चेक कर रहे हैं इसके अंदर दो तीन बूंद डाल के, देखिए एकदम अच्छी तरह से ये सिमट जा रहा है, इस तरह से एक हो गया है तो परफेक्ट हो गया है पाक हमारा। अब इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली को और इसे मिक्स करेंगे, गुड़ और मूंगफली को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। देखिए इसे थाली में निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका जो तार कितना अच्छे से बन रहा है, देखिए इसे जब हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो जो छोटा छोटा जो लाइन बन रहा है ना तार, वो एकदम परफेक्ट है। देखिए इसका हम लड्डू बना रहे हैं, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे नॉर्मल पानी और इसे इस तरह से हम गोला बना लेंगे गोल गोल और इसे रख देंगे। इसे हम बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ा ये जब गर्म रहेगा
तो अभी हम इसे बनाएंगे, मतलब जितना आपका हाथ मतलब उसे सहन कर सके, ज़्यादा गर्म नहीं। और इसे इस तरह से हम करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसानी से बन जा रहा है मूंगफली के लड्डू। तो देखिए लड्डू बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसे आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये एकदम जैसा परफेक्ट, जैसा दुकानदार का रहता है ना, वैसा मूंगफली का लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है, या चिक्की जिसे बोलते हैं। तो मैं आपको आधे घंटे बाद दिखाती हूँ। इस गुड़ को मैं आधे घंटे के लिए रख दी थी रेस्ट करने के लिए, तो इसकी जो आवाज़ है वो आप देखिए कितना मस्त आ रहा है इसका आवाज़। तो एकदम परफेक्ट दुकान के जैसा एकदम बनके तैयार हो चुका है ये गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको गुड़ और चिक्की की रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना।